मैं तो गोली मार दूंगा। आज इसके स्कूल में चिल्ड्रंस डे की पार्टी जिसमें से हैलोवीन कैरेक्टर बनना है। छी और बन दिखा आज बिटवीन ऑफ दिस स्कूल तो गाइज आज मेरे लगने वाले हैं नीचे के ब्रेसेस और ऊपर के भी टाइट होंगे तो बहुत ज़्यादा पेन होने वाला दांत में और मैं आराम से 3-4 दिन तक कुछ च्यू नहीं कर पाऊंगी तो इसीलिए आज मैं सब कुछ अच्छा खाना खा के जाऊंगी। अबे ये तो पूरी फैली हुई है, माय गॉड ये देखो। ए, तेल में जाएगा। ओ तो मम्मा इधर फलूदा बना रही है, मम्मा इधर फलूदा बना रही है और तेल नहीं उसमें फ्रेंच फ्राइज डालेंगे। ये है अनियन रिंग्स और ये है फ्रेंच फ्राइज और भी बन रहे हैं अभी। ये सब ब्रेसेस लगने के खुश में या दुख में वो तो मुझे पता नहीं, लेकिन हाँ ब्रेसेस लगने से पहले मैं सब कुछ क्रंची और टेस्टी खा लूँगी क्योंकि फिर 3-4 दिन तक मुझे सिर्फ लिक्विड खाना मोस्टली खाना होगा क्योंकि मैं च्यू नहीं कर पाऊँगी बिल्कुल भी। ऐसे हालात में बेहतर यही है कि वक्त रहते इंसान सतर्क होकर अपने जज्बात को काबू में रखकर अपने कदम पीछे हटा ले। गाइस पहली बार ये बिल्ली शांति से बैठी है हमारे साथ। अरे नींदू में थी थोड़ा। हाउ इज दिस पॉसिबल, वरना इन्हें बिल्कुल नहीं पसंद पता है कि हम इन्हें उठाए। थोड़ा नींदू में थी। ओए चमचम खाने नहीं 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 ओके गाइस तो मैं हो गई हूँ रेडी डेंटिस्ट के पास जाने के लिए। आज मेरे नीचे के ब्रेसेस फाइनली लगने वाले हैं आफ्टर 3 months ऑफ अपर ब्रेसेस और प्लस टाइटन भी होंगे। ओके गाइस तो हम लोग अभी निकल रहे हैं मेरे डेंटिस्ट अपॉइंटमेंट के लिए और दुन्नू घर पे ही रह रहा है। I've been missing your smile. You should come and stay a while. Fly a couple miles. Let's go out tonight. Oh, you've been running through my mind. Okay guys, तो हम लोग अभी पहुंच गए हैं डेंटिस्ट क्लिनिक के पास एंड आई थिंक अब मैं आपको सीधा 2 ब्रेसेस के साथ मिलूंगी दोनों दांतों में। ओके गाइस तो अभी हम लोग पिछले 1 घंटे से इधर वेट कर रहे हैं बट अभी तक हमारी चांस नहीं आई है। आज इतनी ज़्यादा भीड़ है ना, एक तो हमने 7:30 का अपॉइंटमेंट लिया और इस वक्त नेक्स्ट लेवल भीड़ होती है। दोनों ये ले शटल ला ओ कोल्ड ड्रिंक ला ओ हम लोग वापस आ गए डेंटिस्ट क्लिनिक से और मेरे नीचे के ब्रेसेस आज नहीं लगे क्योंकि तेरे को अब पता चला। अच्छा हाँ तेरे को नहीं बताया ना मैंने। हाँ मेरे नीचे के ब्रेसेस नहीं लगे, ऊपर के बस टाइटन हुए हैं और क्योंकि मेरे मंडे से एग्जाम भी है तो इट वॉज बेटर क्योंकि दर्द तो बहुत ज़्यादा होता है, नेक्स्ट लेवल दर्द होता है 3-4 दिन तक। सो इट वॉज बेटर कि हम लोग अभी ना लगाए नीचे के ब्रेसेस। टाइटनिंग में इतना दिन नहीं होता, आई थिंक 2 days के बाद तो चला ही जाता है मोस्टली। मम्मा का भी था, मुझे भी उधर पहुँच के पता चला कि मम्मा का भी कुछ था। ओके गाइस तो अभी हम लोग डिनर करने वाले हैं और वो है बिरयानी। लकीली मेरे नीचे के ब्रेसेस नहीं लगे तो मैं ये खा पाऊंगी क्योंकि इतना ज्यादा दर्द नहीं होता है। सो
सो गाइज, आज हम जब गए थे आइसक्रीम लेने वापस आते वक्त, तब मैंने ये मिठाई देखी, ये ब्लू कलर की, एंड माय गॉड वाज सो ब्यूटीफुल. तो ये तो लेना ही पड़ा. ये अपेरेंटली ब्लूबेरी फ्लेवर की मिठाई है, विच इज़ क्वाइट इंटरेस्टिंग, क्योंकि आई डोंट थिंक मैंने आज तक कभी ब्लूबेरी फ्लेवर की मिठाई देखी है. और गाइज, अब हम टेस्ट करेंगे ये ब्लूबेरी मिठाई. अच्छी नहीं है, अजीब है. इसलिए मैंने कहा मतलब अच्छी भी है, बट चप्पल तो उठा. वेरी इंटरेस्टिंग. कुछ तो फ्लेवर मुझे रिमाइंड कर रहा है. रुको, तो मैं खा के देखो. कुछ तो फेमिलियर टेस्ट है. आई मीन ब्लूबेरी, ब्लूबेरी है तो नहीं, नहीं कुछ तो डिफरेंट है इसमें. फेमिलियर सा है, बट आई एम नॉट श्योर. कहीं मुझे तो ऐसा लग रहा है इसमें मिथेनॉल है. ए ठंडा होगा. गाइस, यू कैन आल्सो गिव इट अ ट्राई. गाइज, ये वाली बिना ब्लू मुझे मैंगो लग रही थी. मीन मैंगो जैसा फ्लेवर है, बट ये मोर ऑफ कंदी पेड़ जैसा टेस्ट है. प्लस ये बहुत ही ज़्यादा ड्राई है, सो आई एम प्रिटी श्योर ये फ्रेश नहीं है. बट आई हैव टू से मैंगो से बेटर तो ब्लू वाली है, ब्लूबेरी. क्योंकि कंदी पेड़ मोर ऑफ इट टेस्ट लाइक अ मिक्सचर ऑफ कंदी पेड़ एंड मैंगो, विच डज नॉट टेस्ट वेरी गुड. और ये हाल देखो इधर. मबड़ा बोल रही थी इतना अच्छा नहीं है, लेकिन सारी खा गई. सो गाइज, अभी मैंने इनको हल्का सा टेस्ट टेस्ट कराया था मिठाई का, ज़्यादा नहीं खिलाया क्योंकि आई नो इनके लिए अच्छा नहीं होता है, बट हल्का सा मैंने खिलाया. इनको इतनी ज़्यादा पसंद आई है ये देखो, ये लो, ये चिंटू मिठाई खाता है. चिंटू को ना एक्चुअली ना मिठाई बहुत ज़्यादा पसंद है, और ये लूसी तो कुछ भी खा जाती है. सो गाइज, अब मेरा प्लान है अनुपमा देखने का. मम्मा बताओ कि एरोप्लेन किसने इन्वेंट किया? गलत. नहीं, एक्चुअली एरोप्लेन 9 years पहले, राइट ब्रदर्स के भी 9 years पहले, शिवार बापूजी तालपड़ी ने इन्वेंट किया था. तालपड़े, सॉरी थोड़ा गलत हो गया. उससे भी पहले हमारे रावण जी के पास था. तो एक्चुअली राइट ब्रदर्स से भी 9 साल पहले शिवार बाबूजी तालपड़े ने इन्वेंट करा था. ऐसे दिमाग में आया अचानक से. ओके गाइस, सो दैट इज इट फॉर दिस व्लॉग. आई होप यू लाइक्ड इट, एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन. डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब. ओके बाय. क्या था, लाइक शेयर सब्सक्राइब? यस, ये दो तीनों कर देना. बाय. ये तीनों है क्या? क्या है ये तीन? गोदी आ गई परेशान करने सबको. हाय गोदी, विचार.